वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, इस लेक्चर में जो है, इस वीडियो क्लिप में हमने ना पार्टनरशिप की बात करनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस है क्या चीज़, पहले हमने इससे जो है सोल प्रोप्राइटर की बात की थी, या पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, पार्टनरशिप इज अ सिमिलर टू अ प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्ट देर इज अ मोर देन वन ऑनर। ओके जी, बस बात तकरीबन इसकी जो फॉर्मेशन है या इसका जो टैक्स का क्राइटेरिया है, ठीक है, और इजी भी कह सकते हैं इसको, वैसा ही ये बिजनेस है। काफ़ी इसमें और सोल प्रोप्राइटर में रिसेम्बलेंस है, बस जो डिफरेंस है मेन वो यही है कि इसमें ऑब्वियसली बात है पार्टनर है। पार्टनर बड़ा एक कॉमन सा ये बिजनेस के बारे में हम जो है आप लोग अपने सुनते भी रहते हैं और मेरे ख्याल में पता भी है, पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें जो है मोर देन वन ऑनर होगा या मोर देन वन इन्वेस्टर होगा, जिन्होंने इन्वेस्ट की होगी, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ लाइक अ सोल प्रोपराइटर पे नो इनकम टैक्स, ठीक है। जैसे वो इनकम टैक्स जो है अपना पर्सनली जो कमाता है उसमें से जो है उसने इनकम टैक्स देना, बिजनेस नहीं देगा। तो इसी तरह से जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें भी यही होगा कि वो टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो कोई कॉर्पोरेट सॉरी उसका जो बिजनेस पे जितना एक इनकम है उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्टेड द इंडिविजुअल पार्टनर इंक्लूड दियर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज फ्रॉम द बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ दियर पर्सनल इनकम टैक्स इनकम, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि होता ये है कि जब प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट दो पार्टनर अगर हैं, तीन पार्टनर हैं, उनमें पहले वो प्रॉफिट तकसीम होता है, वो तकसीम होने के बाद फिर टैक्स अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि टोटल इनकम इस बिजनेस की जो है उस पर हम जो है टैक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल वन पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट दिस बिजनेस फॉर्म इज दैट रिलेटिव टू दी प्रोप्राइटरशिप ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन ऑफन टू बी रेज। बिल्कुल ऐसा है। एक एडवांटेज अगर हम इसकी बात कर लें बच्चों, वो यही है कि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि इसकी जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसमें फंड हम बड़ा ज़्यादा फंड जो है हम रेज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें ऑब्वियसली बात है दो दो लोगों की इन्वेस्टमेंट है, दो से ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि फंड कैपिटल इकट्ठा करना या ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी ऑफन टू बी रेज। ओके जी, मोर ओवर व्यू वन ऑनर में नाउ दी प्रोवाइडिंग दी पर्सनल कैपिटल एंड दी लेंडर मे बी दी मोर एग्रीएबल टू प्रोवाइडिंग फंड गिवन अ लार्जर ऑनर इन्वेस्टमेंट बेस। और ऑब्वियसली बात है जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई होती है, एक बड़ा बिजनेस होता है, तो आपके पास जो लेंडर होता है, जो बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो भी एक ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार दो हैं, तीन हैं या चार लोग हैं, इन्होंने ये पार्टनरशिप बिजनेस ओपन किया हुआ है, तो वो ट्रस्ट करके जो है आपको और भी लोन दे देते हैं, ठीक है, और भी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास एक डिफरेंस था सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस का, कि इस एक तो इसकी इन्वेस्टमेंट का आपने देखना है कि दो एक से ज़्यादा दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं उनको हम बात कर रहे हैं, और तीसरी दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो टैक्स है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पहले जितना भी प्रॉफिट है हम शेयर जो भी हमारे जिसका जितना प्रॉफिट है उसको शेयर किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर वो अपना आगे इनकम टैक्स खुद ही जो है पे करेगा, ठीक हो गया। और फंड रेज करना इसके लिए आसान भी होता है, ठीक है। तो चलें जी, ये कुछ बातें हम कर रहे थे। अच्छा, ऐसा है कि दो किस्म की पार्टनरशिप डीड जो है ना सामने आती हैं, एक को आप कहते हो जनरल पार्टनरशिप डीड और दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनर, ठीक है। तो ये एक जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी जो टाइप्स होती है उसको आप कहते हो लिमिटेड पार्टनर, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये लिमिटेड, इसको भी चले मैं जो है अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। चलें जी, दो किस्म की टाइप की हम बात कर रहे थे। हाँ जी, जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, ये जनरल है जिसमें ऑल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, दे आर जॉइंटली लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर बिकॉज ईच पार्टनर कैन बी कैन बाइंड दी पार्टनरशिप विद ऑब्लिगेशन। जनरल पार्टनरशिप शुड बी सेलेक्ट विद केयर, इन मोस्ट केसेस फॉर्मल एग्रीमेंट अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेट फोर्थ ऑफ द पावर ऑफ द ईच पावर पार्टनर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाई द पार्टनर प्रोसीजर ऑफ द एडमिटिंग न्यू
पार्टनर एंड प्रोसीजरल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी पार्टनरशिप इन द केस ऑफ दी डेथ और दी विड्रॉ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा स्टूडेंट, जो है यहाँ पे इस पैसेज में और इससे अगला पैसेज भी जो है आप लोग रीड कर सकते हैं। अब मैं रीडिंग मैं मेन इनके पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो जनरल पार्टनरशिप है, आपने जो इसको याद रखना है वो ये है कि जनरल पार्टनरशिप में सबके सब पार्टनर क्या होंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखते होंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी रखता हो, और सारे के सारे पार्टनर इक्वली जो भी उनका एक इन्वेस्टमेंट हो जुड़ी हुई है उस हिसाब से वो क्या है, लायबल होंगे ऑब्लिगेशंस के। ठीक हो गया, और बाकी रहेगी बात के ये पार्टनरशिप डीड उस वक्त ही चल सकती है जब तीनों पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और एक भी अगर पार्टनर छोड़ जाता है, डेथ हो जाती है, विड्रॉ करवा लेता है, तो पार्टनरशिप डीड जो है ख़त्म होके फिर नई पार्टनरशिप डीड मिलती है। लेट्स सपोज आपके पास अगर तीन जो है ना, यहाँ पे चले हम बात कर लेते हैं, तीन हमारे जो है पार्टनर हैं, लेट्स सपोज ए है, ठीक है, फिर हम कह देते हैं बी है, फिर कह देते हैं सी है। ठीक है, तो तीन पार्टनर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट में मैं कह देता हूँ कि जो है 30% चले इसकी इन्वेस्टमेंट है और 30% बी की है और 40% चले सी की है। ठीक है, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। और अब ऐसा है कि अगर सी पार्टनर जो है छोड़ जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, अब ऐसा नहीं है कि ए और बी का ये पार्टनरशिप जो है कंटिन्यू रहेगा, वो भी क्या करेंगे, अगर उन्होंने दोबारा से पार्टनरशिप को अपना इसी बिजनेस को चलाना है तो ऑब्वियसली बात है 50-50 का शेयर उनको क्या करना पड़ेगा दोबारा से। अब ये जो है न्यू पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। ठीक है, ये न्यू जो है पार्टनरशिप डीड बनेगी। ओके जी, चलें जी, ये आपके पास ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, जनरल पार्टनरशिप में यही है कि सभी जो पार्टनर हैं उनकी जो भी एक इन्वेस्टमेंट है और उनका जो भी एक लॉस है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होगा। ठीक है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप है, ये देखें, इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट कैपिटल हैव अ लाइबिलिटी कॉन्फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे कैन नॉट लॉस मोर देन दे पुट इन। ओके जी, अच्छा, अब यहाँ पे चलिए इधर मैं दोबारा बता देता हूँ। ये तो था कि आपके पास लिमिटेड पार्टनरशिप में अब हमने क्या करना है। देखें, होता ये है कि लेट्स सपोज तीन पार्टनर हैं, तीन दोस्त हैं, उन्होंने जो है कोई बिजनेस जो है अपना स्टार्ट किया। ठीक है, ए है, बी है, सी। ओके जी, चलें जी, 30% इसकी इन्वेस्टमेंट है, 30 ये है, 40। अब इसमें से मैं कह देता हूँ कि जो ए पार्टनर है, ठीक है, वो उसका हो सकता है जो है कोई ऑलरेडी कोई काम कर रहा हो, ठीक है, तो वो बिजनेस को टाइम नहीं दे रहा, और जो बी है वो भी ऑलरेडी कोई अपनी जॉब है या कुछ भी कर रहा है। सी जो है ये ऐसा बंदा है जो कि इस जो भी बिजनेस इन्होंने ओपन किया उसको ये टाइम दे रहा है। ठीक है, सारी मैनेजेरियल कंसर्न ये समझ लें कि इसी के पास है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ये इसके पास है, तो इस वजह से फिर हम क्या कहते हैं कि जो ये अब इनके दरमियान जो पार्टनरशिप होगी, मैनेजमेंट इस बंदे के हाथ में है, सी पार्टनर के, ए और बी जो है जस्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो इनको फिर हम क्या कह देते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों ने सुना होगा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, आपका जो ये भी जो है इसको जो है स्लीपिंग पार्टनर के नाम पे हम इसको जो है कह सकते हैं। ठीक हो गया, आपके पास ए भी स्लीपिंग पार्टनर बन गया, बी भी, और सी जो है ये आपके पास जो है इसको आप एक्टिव पार्टनर का नाम दे सकते हैं। इसको जो है मैनेजमेंट भी इसके पास है और इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या, एक्टिव पार्टनर। ठीक हो गया जी, ये एक्टिव पार्टनर है। तो अब ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप का केस है वो यही है कि ये ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें एक मिनिमम एक पार्टनर जो है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, वो एक एक्टिव पार्टनर भी है और सारे के सारे बिजनेस डिसीजन यही ले रहा है। ठीक है, बाकी ये जो हैं ये इनको फिर हम बी को क्या करेंगे, इनको लिमिटेड पार्टनर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी रखते होंगे दोनों के दोनों। क्यों, रीज़न ये है कि इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है, बाकी सारे के सारे डिसीजन तो सी ले रहा है, अगर लॉस हो जाता है तो फिर किसका लॉस हो, ज़्यादा लॉस कौन बेयर करेगा। ठीक है, वो जो है लिमिटेड ये सी जो पार्टनर है वो बेयर करेगा। ठीक है, तो इसको भी जो है आप क्या नाम दे सकते हैं, बी को, एक का स्लीपिंग और जो है लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसने इसी चीज़ को मेंशन किया हुआ था, अब आप इसको रीड भी कर सकते हो, लिमिटेड
पार्टनर जो है कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड हैव अ लायबिलिटी कन्फाइंड टू दैट द अमाउंट ऑफ द कैपिटल दे कैन नॉट लॉस मोर देन दे पुट इन. ठीक है, देयर मस्ट बी हाउएवर बी एट लीस्ट वन जनरल पार्टनर इन द पार्टनरशिप हुज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ठीक है, तो इस पार्टनरशिप में कम अज कम एक आपके पास पार्टनर लाजमी होगा जो कि क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता होगा, बाकी जो है लिमिटेड लायबिलिटी से अपना काम चला सकते हैं. ठीक है, बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग वगैरह है वो जो टर्म डिसाइडेड है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो उस हिसाब से उनको पेयर करनी पड़ेगी. ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट फ्रीक्वेंटली यूज इन अ फाइनेंशियल रेयर स्टेट वेंचर्स. ठीक है, चलिए जी ये समरी जो है एक मजीद हम बात कर लेते हैं. एडवांटेज पार्टनरशिप के क्या है, इट इज़ अ सिंपल लो सेटअप कॉस्ट है एज कम्पेयर, ठीक है, बाकी ठीक है हायर देन द सोल प्रोप्राइटर और रिलेटिवली क्विक सेटअप है, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर. ठीक है, ये एडवांटेज है लिमिटेड जो है लायबिलिटी है लिमिटेड पार्टनर्स के लिए. डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द जनरल पार्टनर और डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल बट इजियर देन द सोल प्रोप्राइटर. ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज अ डिफिकल्ट क्योंकि अगर तीन पार्टनर है ना, अगर चौथा पार्टनर बुलाना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड खत्म करके दोबारा से पार्टनरशिप बनेगी. ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफरशिप जो है डिफिकल्ट होती है. ओके जी, चले पार्टनरशिप हम बात कर रहे थे खत्म, नेक्स्ट में जो है कॉर्पोरेट की बात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.